उसका जो इंटरेस्ट था उसको मैं सपोर्ट करके गया, उसने भी बहुत सारे सक्सेस लाए, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बचपन से लगता था कि यश आगे बढ़ेगा? जी हाँ जरूर, आपके सपनों को पूरा करेगा। वाशी में बहुत बड़ा ओपनिंग हुआ था कोपर करने में, आज कुर्ला है, तो ये वीक में और दो चार बड़े बड़े मॉल है जो खुलने जा रहे हैं। पूना वाले काफ़ी एक तरह से कैसे है कि बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम लोग कौन से हिसाब से कुछ किस एटीट्यूड से उसको कर रहे हैं वो है मैं तो। और मुझे बहुत खुशी है कि सुवर्णकोकन फूड मॉल में यश जैसे सोशल एंटरप्रेनर है, कई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है जो ये प्रोफेशन को आगे लेके जा रहे हैं। फार्मर के लिए काम कर रहे हैं, फार्मर सुसाइड ये बहुत बड़ा इशू है अपने महाराष्ट्र में नहीं ऑल ओवर इंडिया में, तो उनका जीना थोड़ा ईजी हो जाए, उनको वैल्यू एडिशन कुछ कर दे दे, ट्रेडिशनल खेती के ऊपर डिपेंड्स रहने के अलावा हम लोग उनको ऐसे कोई टेक्निक्स अच्छे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हम लोग उनके पास जाते हैं। इसके लिए आपने पूरे 5 साल में देखा रहेगा महाराष्ट्र का कोई तालुका नहीं, ये बहुत बड़ी बात है आज के दिन की, क्योंकि यश जो है वे सोशल इंटरप्रेनर है और यंग है, और यंग लड़के ये प्रोफेशन में आना ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इस प्रोफेशन की जिसको इकोनॉमी की समझ गई वो आ जाती है। इसका सबसे अलग अंदाज ये है हमारे सुवर्णकोकन फूड मॉल का, यहाँ पे असल जो नस्ल है मुर्गियों की वो नस्ल की मुर्गी आपको यहाँ पे मिलेगी जो मुंबई में कहीं पे नहीं मिलते। मुंबई में मोस्टली आपको ब्रॉयलर मिलेगा या देशी के नाम पे डिपी क्रॉस वगैरह मिलेगा, लेकिन सुवर्णकोकन के फूड मॉल में आपको हर जगह या असल नस्ल की मुर्गियाँ हो, बटर पक्षी हो, अलग अलग वेराइटीज़, लेकिन वो सब असल गावरान है जो लोगों को चाहिए। और आपने फूड मॉल का देखा रहेगा कि हमारे यहाँ हम लोग क्लीननेस को, स्वच्छता को बहुत ज़्यादा मद्देनजर करते हैं। बारे में थोड़ा इंटरेस्ट था तो वहाँ से मैं सतीश सर का इंटरव्यू टाइप उनका देखा, तो उसे जस्ट देखते क्या रहता है, तो तभी उनके जो होता है मतलब मीट टाइप होता है उनका, इधर गया उधर तक पता चला फूड मॉल के बारे में, और तब मुझे उनका कंसेप्ट अच्छा लगा। तभी सर सुवर्णकोकन फूड मॉल का सिद्धेश से बढ़िया कोई ब्रांड एम्बेसडर हो ही नहीं सकता है। सिद्धेश से जब मुलाकात हुई तब सिद्धेश का ये कहना था कि सतीश सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जिस मुर्गे ने मुझे पूरी दुनिया में इतनी बड़ी शोहरत इज्जत सब कुछ दिया उसको काटने के लिए मैं प्रमोट करना गलत बात है, मैंने खुद का खाना भी छोड़ दिया। फिर हमने उसको 2 घंटा कन्विंस किया कि देखो सिद्धेश जी, महाराष्ट्र के लोग आपके पास एक अलग नज़रिए से देख रही है। और नमस्कार, मेहनत तो बहुत लगी है मैंने, मतलब एक 10 साल का था तब से इसके पीछे लगा हुआ हूँ, काटा जाता है मुझे ही, लेकिन ये मैं मैसेज दे रहा हूँ कि अगर तुम खा रहे हो तो कोई अच्छी चीज़ खाओ, नहीं तो फिर बाहर जो मिल रहा है वो कुछ गंदी तरीके से आपको दिया जा रहा है, तो वो रुकना जाए। इसके लिए फिर मैंने ये करना चालू किया और मुझे ही काटा जा रहा है, इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि काटा तो वैसे भी जाएगा, लेकिन अगर अच्छी चीज़ों के लिए काटा जाएगा तो उसका मुझे भी थोड़ा सा फ़ख्र है कि मेरी वजह से लोग अच्छा खा रहे हैं। और वापस थैंक यू कहना चाहूँगा सुवर्णकोकन और सतीश सर को कि उन्होंने ये तरीके से मुझे प्रेजेंट किया है। तो फिर पहला कॉन्सेप्ट आया था।